तो हे गाइस, दिस इज योर भाई प्रणव एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नोटेड टेल्स। सो टुडे वी हैव वेंकट विद अस एंड टुडे वी हैव अवर फर्स्ट क्लास आफ्टर वेकेशन। सो वेंकट, हाउ आर यू फीलिंग? आई एम गुड। लाइक इट इज नाइस, राइट? या, इट्स गुड टू कम आफ्टर लॉन्ग टाइम। नाउ मूव योर लेग्स, मूव योर। या, सो टुडे वी हैव अवर क्लास एट समास्को हॉस्पिटल। ये जो रास्ते का शॉर्ट है वो मैंने थोड़ा बाद में लिया है ताकि तुम्हारी थोड़ी हेल्प हो जाए, तुम्हें एक जनरल आइडिया मिल जाए कि तुम्हें कहाँ कहाँ से जाना है। तुम लोगों की हेल्प के लिए मैं समाश्का हॉस्पिटल की जो लोकेशन है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। और इन केस अगर तुम्हें बस पकड़नी है तो ये जो नाम है जो स्क्रीन पे दिख रहा है ये लिखा होना चाहिए बस पे, और इस बस के थ्रू तुम समाश्का हॉस्पिटल जा सकते हो। सो टुडे वी हैव अवर इंटरन मेडिसिन क्लास इन समाश्का हॉस्पिटल। जो लोग फर्स्ट ईयर में आने वाले हैं उनको ये नाम याद कर लो, समाश्का हॉस्पिटल। तुम्हें काफ़ी बार आना है यहाँ पे। सो काफ़ी एक सेमेस्टर, लास्ट सेमेस्टर बचा है हमारा, उसके बाद अपन डॉक्टर बन जाएंगे और चले जाएंगे इंडिया। सो काफ़ी सी फील है लास्ट सेम की पहली क्लास इंटरन मेडिसिन। और तुम लोगों को मालूम ही होगा कि काफ़ी ज़्यादा टफ सब्जेक्ट है। तो हाँ, मैं तो दिखाता हूँ कि समाश्का हॉस्पिटल जो पुराना, एक बेसिकली नया हॉस्पिटल बनाया है समाश्का हॉस्पिटल, तो थोड़ा दूर है, पर जो हमारी क्लास है वो है पुराने हॉस्पिटल में। तो तुम्हें दिखाऊँगा कि समाश्का हॉस्पिटल कैसे दिखता है और तुम्हें कैसे कैसे जाना होगा। और ये है तुम्हारा समाश्का हॉस्पिटल, इसके अंदर तुम्हारे कई सारी क्लासेस लगेंगी। कई सारे डिपार्टमेंट्स में तुम्हारा शू कवर डालना मैंडेटरी है, जैसे टॉप एंड आर्ट हो गया, और समाश्का में जितनी भी तुम्हारी हॉस्पिटल क्लासेस होती हैं वहाँ पे तुम्हारा बखेल डालना मैंडेटरी होता है। तुम्हें बता दूँ जो शू कवर होता है उसे रशियन में बखेल बोलते हैं। और कई डिपार्टमेंट्स के बाहर तुम्हें ऐसी मशीन मिल जाएगी जहाँ से तुम बखेल खरीद सकते हो।
और ये है हमारी टीचिंग फैकल्टी, अगर तुम सेकंड डिवीजन में हो तो यही टीचर तुम्हें इंटरनल मेडिसिन पढ़ाएंगे। तो भाई लोग अभी हमारी चल रही है ब्रेक, और यह है हमारा समाश का हॉस्पिटल, और ये कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट है। यहाँ पे फोर्थ ईयर में तुम्हारे कार्डियोलॉजी का साइकिल चलता है, क्लासेस लगती हैं बेसिकली, और यहाँ पे अलग अलग फोर्थ ईयर में तुम्हारा न्यूरोलॉजी न्यूरोलॉजी की जो क्लासेस है वो भी यहीं लगेंगी इसी हॉस्पिटल के अंदर, और रेडियोलॉजी की क्लासेस लगती हैं यहाँ पे हमारे सेकेंड ईयर में। उसके बाद कई सारे सब्जेक्ट्स की क्लासेस लगती हैं यहाँ पे इसी हॉस्पिटल के अंदर, समाश का हॉस्पिटल। और अब जो एक नया समाश का हॉस्पिटल बनाया है वो बनाया है एयरपोर्ट के पास, तो मोस्ट प्रोबेबली आने वाले टाइम पे जो क्लासेस होंगी स्टूडेंट्स की वो वहाँ लगेंगी। शॉर्ट ही नहीं है पर 80% आई गेस क्लासेस वहाँ लगेंगी। अगर कभी टाइम मिला तो वो हॉस्पिटल भी दिखाऊंगा मैं, अगर हमारी क्लासेस कभी लगी वहाँ पे। और काफ़ी पास है यूनिवर्सिटी से ये, या तो तुम पैदल आ सकते हो क्योंकि हार्डली 5-10 मिनट लगते हैं यहाँ पहुँचने में, या तुम बस पकड़ सकते हो, उसमें आई गेस उसमें 10-15 मिनट लगते हैं बस पकड़ के अगर तुम आओगे तो। इसलिए हम प्रेफर करते हैं पैदल आना, 10 मिनट में यहाँ पहुँच जाता है इंसान, और काफ़ी सही है। तो एक बार व्यू देखो। ये सामने वाली बिल्डिंग है तुम्हारा न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट, और ये जो बिल्डिंग है ये है तुम्हारा इंटेंसिव केयर सेंटर, और यहाँ से सीधे जाने में तुम्हें मिलेगा रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट और यूरोलॉजी डिपार्टमेंट। रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट की बेसिकली दो बिल्डिंग्स है, कि सामने वाली और इसके लेफ्ट में, और दोनों जगह क्लासेस लगती हैं। और रेडियो डिपार्टमेंट के सामने ही है यूरोलॉजी डिपार्टमेंट, जहाँ पे तुम्हारी फोर्थ ईयर में क्लासेस लगेंगी। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जब तुम इस डिपार्टमेंट के अंदर जाओगे तो तुम्हें बकेट डालने चाहिए, जैसे ही मैंने डाल रखे हैं शू कवर, तो ये डालना काफ़ी ज़रूरी है। ये पीछे हफ्ते का है, मतलब केमिस्ट शॉप यहाँ से तुम खरीद सकते हो। तो भाई लोग हमारी क्लास हो गई है ख़त्म, काफ़ी टाइम बाद क्लास में वापस पहुँचे अपने, और बड़ा सेम सीन है, या बोल दो कि क्या बोलते हैं उसका फील है। लास्ट सेमेस्टर, सिर्फ 3-4 महीने बचे हैं, 4 महीने बाकी हैं। क्या बोलते हैं अमित भाई? बिल्कुल। क्या बिल्कुल? 4 महीने बाकी हैं फिर फ्री। उसके बाद फ्री या उसके बाद लग जाएंगे अपने यहाँ से फ्री, उसके बाद फिर MCI है। कैसी चल रही है आपकी तैयारी? भाई लोग अब हम जाएंगे हॉस्टल, क्लासेस हो गई है ख़त्म, अपने यहाँ चलते हैं ना, बस क्यों पकड़नी है। तो हाँ पैदल चलते हैं। अब तुम्हें दिखाता हूँ रास्ता, पैदल चलते हैं। समाज का बल हिस्सा याद रखना, तुम्हें काफ़ी ज़्यादा जरूरत पड़ेगी, बार बार नाम सुनोगे इस हॉस्पिटल का। एक नई बिल्डिंग बनी है समाज का हॉस्पिटल की, ये पुरानी बिल्डिंग है, मे बी फोर्थ ईयर में आके तुम लोगों को वहाँ पर क्लासेस लगेंगी, थोड़ी दूर हो अपने एयरपोर्ट के पास है। और अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ रास्ता जाने का कि कैसे कैसे आना है कैसे नहीं। और फ्रेंड्स, ये जो तुम स्टैचू देख रहे हो इन्हीं के नाम पे समाज का हॉस्पिटल का नाम पड़ा है। तो भाई लोग, आज के लिए मेरी क्लासेस हो गई है पूरी, टाइम हो गया है अभी 1:30 PM, और 3 बजे के करीब हमारा लेक्चर है वो ऑनलाइन होगा। सो हाँ, इस वीडियो के लिए बस इतना ही, अब मिलेंगे अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।